17 सितंबर को नया बिहार, नया उदय, नया स्थापना करने के लिए 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान जो रोजगार देते हैं उन्हीं के दिन हम लोग इसकी स्थापना करेंगे और बिहार में 1 करोड़ रोजगार कैसे देंगे, बिहार की जनता सुने तब हम लोगों को चुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्र सेवा दल ने पूरी तैयारी कर ली है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 17 सितंबर को राष्ट्र सेवा दल की तरफ से एक बड़ी रैली की जाएगी, जिस रैली का नाम रखा गया है रोजगार 1 करोड़। और इस बात की जानकारी आज खुद राष्ट्र सेवा दल के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने दी है। बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, हम लोग रोजगार 1 करोड़ वर्चुअल रैली 17 सितंबर को 4 बजे करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं बिहार को कैसे लोगों ने मूर्ख बनाया। गुरु 3 साल बनाए कर्पूरी जी, चेला 30 साल बनाए लालू नीतीश कुमार। लालू जी जंगल राज लाए, अचेला जो है झूठ बोलकर 15 साल शासन किए कि हमारे बिहार में इतना रोजगार आ गया, इतना रोजगार निकल गया है कि जो हमारे मजदूर भाई बाहर कमाने गए थे वो अभी वापस आ गए बिहार में। यह तो कोरोना महामारी सच उनका उजागर कर दिया कि कंधा पे बच्चों को लेके पैदल भूखे प्यासे ट्रक ट्रेन पे लटक के लोग घर वापस आए। और इसके लिए 17 सितंबर को सब लोग को बतलाया जाएगा कि हम लोग कैसे 1 करोड़ रोजगार देंगे। और बिहार की जनता सुने, युवा सुने, क्योंकि चुनाव जब भी आता है तो पार्टियों को 2 ही चीज याद आती है, 1 गरीबी, 2 बेरोजगारी। आज आज़ादी से लेके आज तक गरीबी भी वही है, बेरोजगारी भी वही है, अशिक्षा भी वही है। हम लोग इसको मिटाएंगे और बिहार को विश्व स्तर पे लाएंगे। राज्यों से तो आगे लाना से भी विश्व स्तर में बिहार की स्थापना हम लोग करेंगे कि बिहार हम लोग होनहार हैं, बिहार का हर युवा आगे है। वो आप तो जानते हैं बिहार के युवा जो अनपढ़ हैं वो अभी आपको हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में फुल ऑटोमेटिक मशीन चलाते हैं। फुल ऑटोमेटिक मशीन जो 1 क्लास नहीं पढ़े हैं वह चलाते हैं। और राष्ट्र सेवा दल पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है पूरे बिहार में। और हमारे जो भी गरीब हैं, बेरोजगार हैं, वह लोग उसके उम्मीदवार हैं। आप 17 सितंबर को बेरोजगार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और हम लोग 17 सितंबर को नया बिहार, नया उदय, नया स्थापना करने के लिए 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान जो रोजगार देते हैं उन्हीं के दिन हम लोग इसकी स्थापना करेंगे और बिहार में 1 करोड़ रोजगार कैसे देंगे, बिहार की जनता सुने तब हम लोगों को चुने।